चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट इज व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वायरस वायरस की फुल फॉर्म क्या है द फॉर्म ऑफ वायरस वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वी फॉर वाइटल आई फॉर information, आर फॉर रिसोर्स यू फॉर अंडर एस फॉर सीज vital information resources under seas next is what is a computer virus computer virus kya hai a computer virus is a program or set of programs that disturbs the normal functioning of a computer computer virus ek प्रोग्राम कह सकते हो या एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हो जो डिस्टर्ब कर देता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे डिस्टर्ब कर देता है अ वायरस इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉय डेटा वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है या डिस्ट्रॉय कर देता है डेटा को इट एंटर्स इन टू अ कंप्यूटर विदाउट द परमीशन और नॉलेज ऑफ़ द यूज़र वायरस जो है वह एंटर हो जाता है कम्प्यूटर में बिना किसी परमिशन के या नॉलेज के यूज़र की इट एंटर्स इन टू अ कम्प्यूटर विदाउट द परमीशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र वायरस क्या है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये एक प्रोग्राम है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग कम्प्यूटर की डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये एंटर हो जाता है कंप्यूटर में बिना किसी नॉलेज के यूजर की नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरस के ऊपर नोट नोट वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स विच कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड दे रीच बाय इंफेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वायरस प्रोग्राम्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स है जो कि कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड करता है अपनी रीच को बाय इन्फेक्ट कर मोर और मोर कंप्यूटर फाइल्स को इसकी वजह से होता क्या है कि जो स्पीड है कंप्यूटर की वो कम हो जाती है और जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वायरस प्रोग्राम सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि अपनी रीच को बढ़ाता रहता है इन्फेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर फाइल्स को जिसकी वजह से जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कम हो जाती है और जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरस के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं कंप्यूटर वायरस के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बूट सेक्टर वायरस के बारे में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस फर्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस जो बूट सेक्टर वायरस है वो करप्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कोप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिस वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड को और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को द वायरस इंजेक्ट्स इट्स कोड इनटू अ हार्ड डिस्क पार्टीशन टेबल देन मूव्स इनटू द मेन मेमोरी व्हेन अ कंप्यूटर रिस्टार्ट्स ये जो वायरस है वो इंजेक्ट कर देता है अपना कोड इनटू अ हार्ड डिस्क पार्टीशन टेबल में देन मूव्स और तब मूव हो जाता है इनटू मेन मेमोरी में जब कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट होता है वह ना कंप्यूटर रिस्टार्ट तो बेसिकली बूट सेक्टर वायरस है क्या ये जो है वो इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड को और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को ये जो वायरस है वो अपना कोड को इंजेक्ट कर देता है हार्ड डिस्क पार्टीशन टेबल में और तब मूव हो जाता है मेन मेमोरी में जब कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होता है तो बेसिकली बूट सेक्टर वायरस जो है वो करप्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को नेक्स्ट वायरस इज रेजिडेंट वायरस रेजिडेंट वायरस में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हो गए प्रोग्राम्स हो गया विल बी इन्फेक्टेड अ वायरस विच सेव इट्स सेल्फ इन द मेमरी ऑफ कंप्यूटर एंड देन इन्फेक्ट अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स वेन इट्स

वो अपने आप को सेव करता है मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में एंड इन्फेक्ट करता है अदर फाइल्स को एंड प्रोग्राम्स को रेजिडेंट वायरस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होगी प्रोग्राम्स हो गए वो जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होते हैं एज द नेम सजेस्ट इट फर्स्ट अ सिंगल फाइल एंड देन लेटर स्प्रेड्स इट्सल्फ टू अदर एग्जीक्यूटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स जैसे ही इसका नेम है ये सबसे पहले इन्फेक्ट करता है सिंगल फाइल को उसके बाद में ये फैल जाता है दूसरी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स में और प्रोग्राम्स में जो मेन सोर्स है इस वायरस का वो है गेम्स और वर्ड प्रोसेसर्स फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होते हैं जैसे ही इसका नाम है कि ये सबसे पहले जो है वो इन्फेक्ट करता है सिंगल फाइल को उसके बाद ये फैल जाता है दूसरी फाइल्स में और प्रोग्राम्स में इसका जो मेन सोर्स है इस वायरस का वो है गेम्स एंड वर्ड प्रोसेसर नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस मैक्रो वायरस क्या होता है कैन बी फाउंड इन स्प्रेड शीट फाइल्स स्प्रेडशीट फाइल्स में जो है ये फाउंड होता है मेनली सोर्स ऑफ सच वायरसेस इज वाया ईमेल्स। इसका जो मेनली सोर्स होता है इन वायरस का वो आता है ईमेल से मैक्रो वायरस फाउंड इन स्प्रेडशीट फाइल्स मेनली सोर्स ऑफ सच वायरसेस इज वाया ईमेल्स। नेक्स्ट वायरस इज मल्टीपरटाइट वायरस अ वायरस विच कैन अटैक बोथ

ओवर वायरस क्या होता है ओवर वायरस आर एक्सट्रीमली डेंजरस दे कैन डिलीट डेटा एंड रिप्लेस इट विद देयर ओन फाइल कंटेंट और कोड ओवर वायरस जो है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है ये जो है वो डिलीट कर देता है डेटा को और रिप्लेस कर देता है अपने कोड से या अपने फाइल कंटेंट से वंस द फाइल्स गेट इनफेक्टेड दे कैन नॉट बी रिप्लेस एंड द वायरस कैन एफेक्ट विंडोज डोर्स एक्सेट्रा जैसे फाइल जो है वो इनफेक्टेड हो जाती है ना तो उसे रिप्लेस किया जाएगा और वो जो वायरस है वो एफेक्ट डालेगी विंडोज पे डोर्स पे एक्सेट्रा तो ओवर राइट वायरस क्या होते हैं ओवर राइट वायरस जो है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं वो जो है वो डिलीट कर देते हैं डेटा को और रिप्लेस कर देते हैं अपने कोड से नेक्स्ट इज पोली वायरस पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स सो दिस वायरस चेंजेस इट्स फॉर्म एवरी टाइम पोली का मीनिंग होता है मैनी मॉर्फिक का मीनिंग होता है फॉर्म इसका मीनिंग यह है कि जो वायरस है वो चेंज कर देता है अपनी फॉर्म्स को एवरी टाइम स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट्स द पोली वायरस आर फाइल इन्फेक्टर्स पोलिफिकना मुश्किल होता है पोली मीन्स मैनी मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स यानी की ये जो वायरस है वो चेंज करता रहता है अपने फॉर्म्स को हर टाइम में स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट से और ये जो होते हैं वो फाइल इंफेक्टर होते हैं जिससे मुश्किल होता है डिटेक्ट करना नेक्स्ट वायरस इज स्पेस फिलर वायरस इट इज अ रेयर टाइप ऑफ वायरस विच फिल्स इन द वायरसेस स्पेसिस जो है एक रेयर टाइप का वायरस है जो कि फाइल की एम्प्टी स्पेसिस को भर देता है वायरसेस के साथ इट इज नोन एज कैविटी वायरस इट विल नाइदर अफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल दोर कैन बी डिटेक्टेड इजिली ना तो ये इफेक्ट करता है फाइल के साइज को और ना ही इसे डिटेक्ट किया जाता है स्पेस फिलर वायरस एज अ नेम कि ये जो है वो फाइल की एम्प्टी स्पेसिस को भर देता है वायरसेस के साथ तो ये थे वायरस और वायरस के टाइप्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना Thanks for watching.